एक बहुत बड़ा अपडेट उन बच्चों के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। जानते हैं आप, सीयूटी आने से काया पलट हो चुकी है, आंकड़े बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस .com जो उसने रात ही एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि 62,825 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, इतनी सीट फुल हो चुकी है। 70,000 सीटें हैं टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसमें देखा गया है कि 51,797 बच्चे जो है सीबीएसई बोर्ड से हैं और 2,026 बच्चे सीआईएससीई बोर्ड से हैं। मतलब इन दोनों बोर्ड से मिलाकर 85.67% है। लास्ट ईयर क्या देखा गया था कि केरला बोर्ड से बच्चे बहुत होते थे, लेकिन इस बार एक नया बोर्ड निकल कर आया। मैं आपको स्टैट्स बता देता हूं, केरला बोर्ड से देखा गया था लास्ट ईयर 2.33% इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन इस बार केवल 0.62% रहा है। हरियाणा बोर्ड से 3.44% होता था, लेकिन इस बार केवल 0.77% आया है। लेकिन अब एक नया बोर्ड निकल कर आया है जो है बिहार बोर्ड। जी हां, 0.77% होता था लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन, लेकिन इस बार 2.3% रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हाइक है फॉर द बिहार बोर्ड स्टूडेंट। और सबसे ज्यादा एडमिशन जो अभी तक ले चुके हैं वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, और हो भी क्यों ना, लगभग 16 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं सीबीएसई के अंदर, 16-17 लाख, और इस बार भी 16 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें से 3.75 लाख बच्चे तो दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। एंड दे विल डेफिनेटली टारगेट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिस इज व्हाट अपडेट आई वांटेड टू गिव यू। आपको पता चला होगा कि सीयूटी आने से कितना बड़ा चेंज हुआ है, किस तरीके से काया पलट हुई है। सो फॉर ऑल द सीयूटी 2023 स्टूडेंट, अब आपको पता चला होगा कि सीयूटी एग्जाम की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच।